नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनद पिपरिया ग्राम में 32 वर्षीय युवक की हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी बरगी रितेश पांडे ने बताया कि सनद पिपरिया निवासी 32 वर्षीय सुनील पटेल की हत्या 44 वर्षीय प्रेमचंद साकेत हाल मुकाम सनद पिपरिया सुनील पटेल के ऊपर पत्नी से अवैध संबंध होने का शक करता था। पुलिस ने बताया कि इसी बात को लेकर घटना के दिन आरोपी प्रेमचंद साकित ने सुनील पटेल पर पहले डंडा से हमला किया, उसके बाद गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को बीती रात उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे कहीं भागने की फिराक में था। उल्लेखनीय है कि सनद पिपरिया निवासी 25 वर्षीय सुनील पटेल मोहल्ले के ही रहने वाले दिनेश गुप्ता की डेयरी में काम करता था। उसके साथ में एक बबलू उर्फ प्रेमचंद साकित काम करता था। दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी। सुनील पटेल की डेयरी में काम करने के बाद जब खेत की ओर जा रहा था तभी उसके ऊपर प्रेमचंद द्वारा लाठी से हमला कर बाद में हत्या कर दी गई। जबलपुर से वाजिद खानी की रिपोर्ट। दिनांक 22/12 को रात में लगभग 10 बजे डायल 100 में सूचना प्राप्त हुई कि सुनील पटेल नाम के व्यक्ति का शव गुप्ता डेयरी फार्म में ग्राम समत पिपरिया में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जो मौके पर जाकर देखा तो सुनील पटेल के शरीर में चोटों के निशान थे, जिनका पीएम कराया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो है हत्या गला दबाकर और शरीर में डंडे से मारकर की गई है। गुप्ता डेयरी फार्म में काम करने वाला बबलू अहिरवार जो है मौके से गायब था, प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जिसकी तलाश की गई। दस्तयाब करके उससे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक जो है उसकी पत्नी से संबंध रखता था, जिससे नाराज होकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। भैया एक और कुछ मुख्य आरोपी भी है इसमें जो फरार चल रहा है? नहीं, बबलू अहिरवार जो है इसमें मुख्य आरोपी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पीआर प्राप्त किया गया है और पूछताछ की जा रही है। यदि किसी और एंगल पे कुछ बात सामने आती है तो अग्रिम विवेचना की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।